हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपका हमारे चैनल बोल फटाफट में और हाजिर हूँ आपके सामने लाइव फीड अपडेट के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि राजीव अदातिया की घर में एंट्री हुई, अब ये पता ही नहीं चल रहा है यार सीरियसली किस बंदे की घर में जो है वो एंट्री हुई क्यों है। इतनी धमाकेदार जो है इसकी री एंट्री दिखाई थी, लेकिन मुझे सीरियसली अभी तक समझ में नहीं आया क्यों हुई है इनकी एंट्री। क्योंकि जब से ये घर में आए तब से ये शमिता शेट्टी के ही गुणगाए जा रहे हैं, चाहे ये तेजस्वी प्रकाश के साथ बैठकर सॉर्ट आउट कर रहा हो कि तेजस्वी और शमिता शेट्टी का जो झगड़ा चलता हुआ आ रहा था, या फिर पिछले वीक से हम देख रहे हैं कि निशांत भट्ट जो है वो शमिता शेट्टी के ऊपर बार बार फट रहे हैं कि क्यों उन्होंने जो है तेजस्वी प्रकाश को डाउनग्रेड किया, क्यों उन्होंने जो है राखी सावंत को डाउनग्रेड नहीं किया। अब इसी बात के चलते जो है राजीव अदातिया पहुंचे प्रतीक सहजपाल के पास और वो प्रतीक सहजपाल को ये कहते हुए नजर आए कि अगर निशांत भट्ट के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं तो वो काफी खुश होता है, लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती तो वो दूसरे लोगों पर फटने लग जाता है। आखिर निशांत भट्ट ने शमिता शेट्टी के लिए ऐसा क्या कर दिया कि वो जो है शमिता शेट्टी से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई शमिता शेट्टी जो है वो निशांत भट्ट के कहने पर ही अपने सारे डिसीजन लेगी। तो इस पर प्रतीक सहजपाल का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है राजीव अदातिया, वो सिर्फ थोड़ा सा अपसेट है, इस वजह से ये सारी चीजें जो है वो हो रही है। तो राजीव अदातिया की एंट्री क्यों हुई है घर में, क्या वो शमिता शेट्टी को सपोर्ट करने आए हैं, या फिर आज रात जो मिडनाइट इविक्शन होने वाला है तो एक कंटेस्टेंट को या दो कंटेस्टेंट को वो जो है अपने साथ घर से ले जाएंगे बाहर, इस बारे में आपका क्या कहना है प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और लाइव फीड अपडेट्स के लिए, बिग बॉस से रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बोल फटाफट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।